अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे लियाकताबाद के इलाके की, कि जहाँ पर हालिया बारिशों के बाद जो है वो सूरत हाल थोड़ी नाकिस दिखाई दे रही है। कहीं गटर का पानी जमा है तो कहीं खस्ता हाल सड़कें हैं। स्कूल जो कि बड़े मशहूर पीला स्कूल है, उसके अतराफ़ में भी गटर का पानी जमा है। आखिर ये सूरत हाल कब बेहतर होगी और इससे शहरी कब जो है वो निकल सकेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम एंकर हैं। जवाब तो चाहिए कि ये लियाकताबाद गए, इन्होंने क्या देखा। पहले मैं चाहूँगा कि अदील ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल देखी, क्या चीज़ें थी जो कि आप देखे और कवर किया, उसके बाद आप हम दिखाना चाहेंगे नाज़रीन को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं कहूँगा, क्योंकि हकायक दिखाना हम सबका काम है, और कराची टुडे में जब आप रात में ये बात करते हो तो ऑल ओवर स्टोरी हमारे पूरे दिन की जो चल रही होती हैं उसमें हम ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे होते हैं। आपने बात की हालिया, डायरेक्टली आपने क्वेश्चन किया है, पीले स्कूल की बात करते हैं तो चलें पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं डायनामिक के। भाई, पीला स्कूल, मैंने एक स्लोगन भी दिया कि पीले स्कूल की बात अक्सर बेशतर मैंने कई मिनिस्टर्स के मुँह से सुनी है, कई चेयरमैन के मुँह से सुनी, कई MP MNA लोगों से मैंने ये सुनी है कि मेरा ताल्लुक कभी कराची के पीले स्कूल, नीले स्कूल, काले स्कूल से पढ़ के हम आए। मेरा सवाल अली आपसे है, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, एक चैनल पर बैठ के हम काम कर रहे हैं, आप अपने कभी स्कूल गए, वहाँ बिल्कुल गया हूँ, कॉलेज भी गए होंगे, बिल्कुल यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी ताल्लुक रहा है, आप जाते रहे, मैं जाता रहा हूँ, आप जाते रहे, मुझे बताएं कि अगर मैं और आप कभी जाते हैं कहीं और कोई सूरत हाल खराब है और अल्लाह ने हमें वो पावर दी होगी तो क्या हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ बिल्कुल मुझे करते सवाल है कि स्क्रीन के ऊपर आपके सामने पीले स्कूल की मुंह बोलता सबूत, आपके सामने लियाकताबाद का एरिया, ठीक है, मैंने ये सवाल चेयरमैन साहब से भी किया, चेयरमैन फराज वहां पहले के, हम चाहेंगे बताएं तो सूरत हाल क्या है, मैं क्योंकि वही, और मैं फोटेजेस भी सवालत को नाजरीन देख रहे जोड़ूंगा होंगे। अली। देखें, सिंपल मैं आपको बताऊं कि जब मैं डायरेक्टली स्कूल पहुंचा हूं तो मैंने स्कूल में तीन से चार चीजें नोटिस करी हैं। पहले, गंदगी का ढेर, मेन स्कूल के तालीमी याफ्ता जगह की, कौन कहता है कि कचरा कुंडी का अंबार लगा हुआ होगा। उसके बाद मेन एंट्रेंस से अंदर जाने का मतलब होता है कि आपको फलांगे मार के, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो उसी स्कूल में पढ़ते हैं ना सर, मैं आपकी नजर करूंगा और जो देखने वाले नाजरी उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पे गौर से, वो बच्चे हाथ हिला रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो बोलता सबूत के पीले स्कूल का ये सबूत है। जवाब तो चाहिए कि टीम करने आई थी प्रोग्राम रेन इमरजेंसी पे, लेकिन जब स्कूल की सूरत हाल देखी तो हम स्कूल के थोड़ा अंदर चले गए। अब जब अंदर गए तो गर्ल्स सेक्शन भी है, बॉयज सेक्शन भी है, तमाम लोग मॉडल स्कूल की तरफ फोकस करते हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ फोकस करते हैं। मेरा एक सवाल है अली, इतनी बड़े जगह पर जहां 80-80 गज के घर हैं सिर्फ लियाकताबाद में, वहां 1,000 नहीं 2,000 एकड़ की, मैं एकड़ तो सारी वर्ड गलत कह रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी जगह जहां पर एक पूरा मॉडल स्कूल के पास ग्राउंड प्ले एरिया सब मौजूद है पर तबाही का शिकार है अली। आप यकीन करें कि स्कूल के अंदर एक एक क्लास होने के बावजूद भी वहां पे ऐसे लोग बैठे हुए थे लेट नाइट कि जिनको हम कहते हैं ना कराची में से होटलिंग रात में होती है, तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां बैठ के अवाश किस्म के लोग बैठ के अयाशी कर रहे होते हैं, वहां बैठ के बारिशों के मौसम में लोग, अब मैं ये वर्ड नहीं दोहराना चाहूंगा, नशे की ऐसी हालत में थे, वो मैं कैमरे में ये नहीं दिखा स्कूल के अंदर की स्कूल सूरत के हाल अंदर थी। की सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, और अगर किसी को ऑफ कैमरा मुझसे फुटेज चाहिए तो मैं देने को भी तैयार हूं कि मैं देता हूं कि आप देखें वहां पे कौन कौन लोग बैठे हुए थे। अच्छा, लियाकताबाद स्कूल की हम बात करें, थोड़ा सा इस इलाके के हवाले से भी बताइएगा, कौन कौन सा इलाका इसके अंदर आ रहा है और क्या सूरत हाल है, सड़कों की क्या सूरत हाल है, पानी कहाँ कहाँ जमा है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अली, जो पीला स्कूल है ना वो एक्चुअली लालू के 10 नंबर का स्टॉप, बड़ा मशहूर, आपने हाँ सुना होगा, बिल्कुल लियाकताबाद बिल्कुल उसी गली से आप अंदर आते हैं तो उसको 9 नंबर कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये एक पीला स्कूल जो वाकई है 9 नंबर है, UC 3 लगती है और UC ऑफिस भी स्कूल से चंद 10 कदम दूर, 10 कदम दूर उसका गेट है UC ऑफिस का। और मैंने UC ऑफिस में जाके भी रिक्वेस्ट की कि सर आपके बराबर में स्कूल है, ठीक है मेन रोड का काम आप नहीं करवा पा रहे, गली सड़कें टूटी हुई हैं, या अली सारी बात छोड़ें, मैं कहता हूं दर्द हर मुसलमान के लिए एक ना मस्जिद हमारे लिए एक बड़ी मोतरबर जगह है ना, हाँ मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं किस लिए कि पानी खड़ा हुआ है। खुद मेरे साथ वहां के UC काउंसलर चेयरमैन बाइक पर जा रहे हैं, उनको मैंने कहा सर आए जरा बाइक पर बैठे, एक आम आदमी की तकलीफ को मैं आपको समझाता हूं कि जब मैं वहां से बाइक पर वो गुजरता कह हूं। रहे थे कि जी बल्दियाती हुकूमत आएगी तो ये निचली सतह तक जाएंगी चीजें और फिर उसके बाद ये सूरत हाल बेहतर होगी। अली देखें, हर गवर्नमेंट का, चाहे इससे पहले की बात करूं या अभी की बात करूं, हमेशा एक रोना मैंने भी सुना है और आपने भी सुना है, वो है फंड ना मिलने का रोना। तो ठीक जब है। फंड नहीं है तो सर जिम्मेदारियां किस बात पे आप अच्छा समझने नहीं अदील, लिए मैं हैं। चाहूँगा कि रुकने असेंबली हैं इफ्तिखार आलम साहब, उनसे भी मैं चाहूँगा
सर ये कब हमारी किस्मतें बदलेंगी, कब उस इलाके के रहने वाले रिहायशी ये कह सकेंगे कि जनाब अगर हम सुनते हैं कि सियासतदान और हुक्मरान हमें ये बताते हैं कि जी कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इसकी वजह से पाकिस्तान चलता है, तो फिर वो अपनी गली मोहल्लों के अंदर काम होता क्यों नहीं देख पाते? क्यों उनको हर बार ये सुनना पड़ता है कि जी मेरे पास फंड्स नहीं मिल रहे? इसका कसूरवार कौन है? इफ्तिखार साहब, इन सवालों की कोशिश करेंगे हम जानने की। सबसे पहले आपसे भी इसके ऊपर जानने की कोशिश करता हूँ, आप भी इलाकों के अंदर घूम रहे होंगे, इस हालिया बारिशों के बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं और इस पर आपका क्या मौकफ़ है? जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, एक लफ्ज यूज किया कि कुछ हालत जो है वो खराब है, कुछ नहीं है, बदतरीन हालत है अच्छा और तबाह बर्बाद हो गया है। असल में मसला ये है कि मुकामी हुकूमतों के मेयर और सिटिंग गवर्नमेंट जो सिंध गवर्नमेंट है उनके लिए पूरा कराची से शारे फैसल और DHA है, जहाँ अच्छा की वो फुटेजेस चलाते हैं, वहीं सारी मशीनरी लगाते हैं। बाकी रोडों का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल चाहे लियाकताबाद का 10 नंबर हो, ये तो जो अभी पीले स्कूल की बात हो रही है, ये तो फिर भी अंदर जाके लियाकताबाद जहाँ पे ये टंकी वाले और बकरा पीढ़ी है उस तरफ आप जाके देखें, 1.5-1.5 फुट गड्ढे रोड के ऊपर जहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है, वहां से गुजरना लोगों का महाल है, लोग जख्मी होते हैं, मोटरसाइकिल वाले बेचारे गिर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे मेयर साहब को ये वहां पे पानी, गंदगी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली कुछ नजर नहीं आती, वो अच्छे अच्छे का इफ्तिखार राग आलम साहब, अलापते जिम्मेदार रहते कौन हैं। है? शहरी शहरी को इससे सरोकार नहीं है, कौन इस वक्त पावर में है, इसका देखिए जिम्मेदार मैं कौन तो है? ये समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट खुद जो कि डेमोक्रेसी का, जमहूरी हुकूमतों का जो है रोना जो रोती रहती है और बड़ा उनके दावेदार बनते हैं, वो खुद अपनी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जो है वो तहस नहस करने पे धरपे। आपके इल्म में भी होगा कि इन्होंने तो पैरेलल सिस्टम फोकल पर्सन को जो है वो बना दिया है। हाँ अब जब बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, चेयरमैन मौजूद हैं, काउंसलर्स मौजूद हैं, उनके होते हुए फोकल पर्सन गैर मुंतखब लोगों को बनाना जो कि सिर्फ करप्शन को ही जो है परवान चढ़ा सकते हैं लेकिन काम ग्राउंड पे कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने पूरी लोकल गवर्नमेंट को जो है मफलूज करके रख दिया है। लेकिन क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के जो मेयर हैं उनकी मजबूरी है, वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट तो बोल नहीं सकते, तो वो बस 4 जगहों का विजिट करते हैं और अच्छा अच्छा दिखाते हैं। जब भी तो हम कहते हैं कि देखता जाओ और शर्माता जा। इफ्तिखार साहब, इसके वो कहते अलावा हैं कि जी तो 106 अहम आप शाराएं हैं, उसकी मैं मैं जरा जिम्मेदारी लेता पीले हूँ, स्कूल ये का भी टाउन की नक्शा जिम्मेदारी आपके, है, दीगर लोगों की जिम्मेदारी है, ये भी एक मौकफ आता है। अली भाई मैं पहले 1 सेकेंड ये पीले स्कूल के बारे में बताऊं, इतना पुराना स्कूल, इतना जबरदस्त, वहां पे बच्चे पढ़ते थे और यहीं से पढ़े हुए अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर लोग गए, यही हमारा स्कूल था, इतने बड़े रकबे पे वहां पे चीजें। लेकिन जो प्लेग्राउंड की बात है वो प्लेग्राउंड कम डंपिंग पॉइंट ज्यादा बना दिया गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल नाकाम है, कचरे के ढेर वहां पे लगे हुए हैं। और बिल्कुल जो इंट्रो में यहाँ पे बात हो रही थी कि वहां पे नशा करने के लिए लोग बैठते हैं और इन्हीं चीजों के लिए वो काम आता है, और फिर वहां के तालीम हासिल करने के बजाय लोग ये नशे के आदि बनाने की जो है ना वो फैक्ट्री बनता जा रहा है। वहां पे चलना तो दरकिनार, स्कूल पहुंचना, मस्जिद, अगर आप वहां की गंदी गलियां देखें बैक साइड की तो 4-4 फुट कचरा खड़ा हुआ है कि आप उसमें खड़े होके फर्स्ट फ्लोर को हाथ लगा लें, लेकिन कोई निजाम ही नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छा इफ्तिखार आलम साहब मेरे साथ ही रहिएगा, मैं चाहूंगा फराज हसीब साहब हैं टाउन चेयरमैन लियाकताबाद के, इनसे भी इनका मौकिफ जान सकूं। फराज साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मामला ये आता है कि जी आम शाराएं हमारे पास हैं, मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं, और कहते हैं जी ये टाउन की जिम्मेदारी जो है ना वो टाउन चेयरमैन के पास है, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है फराज भाई, थोड़ा सा हम बात जानना चाहेंगे आपका मौकिफ। लोग कहते हैं जी काम क्यों नहीं हो पा रहा गली मोहल्लों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौके जानने के लिए मुझे लाइन से लिया। जी देखिए, सबसे पहले आपने जो बात की कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद मेयर पे कब्जा किसने किया, ये पूरी दुनिया जानती है कि कब्जा मेयर जो है हमारे इस वक्त शहर में आए हुए, ठीक है। फिर उसके बाद हर इदारे पे कब्जा, आप बताएं टाउन के पास कोई जिम्मेदारी रह गया? वाटर सेवरेज बोर्ड के MD मेयर, ठीक है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो है MD वो मेयर, इसी तरह क्लिक का जो इदारा है जो रोड और पैच और काम का काम करती है वो भी जो है सिंध गवर्नमेंट ने अपने हैंड में लिया हुआ है। आपने टाउन को सिर्फ पार्क और लाइटों तक महदूद करके रखा हुआ है, उस पे जो है लियाकताबाद में 15 में से 9 पार्क हम 1 साल में बना गए, लाइट का काम हमारा भरपूर तरीके से चल रहा है, लेकिन मेयर साहब जो है अपनी पावर्स को डिवोल्व करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है।
हालांकि इस बात को उनको हजारों दफा कहा कि ये जो यूसी चेयरमैन है अगर ये आपके ही केएमसी का हिस्सा है, अगर ये नीचे गली मोहल्लों में मौजूद होंगे, इनको मसाइल यहाँ के पता है, तो ये काम होगा, बेहतरी होगी, फिर चाहे वो कब्जा ही मियार हो, नाम इनका होगा कि शहर में बेहतरी आ रही है, लेकिन करप्शन का वो बाजार गर्म है जिसकी सूरत जो है वो कोई भी चीज जो है डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। 2001 से 2005 के पीरियड में जब नेमतुल्ला खान साहब नाजिम थे, उस टाइम हर चीज जो है यूसी चेयरमैन के और टाउन के अंडर में होती थी, रोड भी वो खुद बनवाती थी, सफाई के हवाले से भी सारी चीज उनके पास थी, वाटर सेवरेज बोर्ड का जो है सारा सिस्टम जो है वो टाउन या यूसी चेयरमैन का था। इन्होंने हर चीज जब अपने पास सारा सिस्टम ले लिया है तो किस तरह से शहर में बेहतरी आएगी। फराज साहब, एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि आखिर क्या मसाइल हैं कि गली मोहल्ले का इख्तियार तो टाउन चेयरमैन के पास दिया गया है, फिर वो क्यों बन नहीं पा रहे, और साथ साथ इस हवाले से भी ज़रा बता दीजिएगा कि कोई हिदायत है कि अफसरान जो हैं वो मीडिया नुमाइंदगान से बात ना करें, इस तरह के हवाले से भी थोड़ा सा मौक़िफ दे दीजिएगा। देखें, हिदायत तो इसलिए कि अभी हमारी एक डिस्पेंसरी है लियाकताबाद टाउन की, वहाँ पर JDC ने जो है अपना एक डिस्पेंसरी खोली हुई है, वहाँ पर जो है डायलिसिस करते हैं, तो उसके खिलाफ जो है किसी हमारे अफसर ने जो है वो कोई ब्रीफिंग दी थी, तो वो हम समझते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर जो है खिदमत का काम कर रहा है तो उसको पहले जांच पड़ताल करते हैं, अगर कोई गलत काम है तो उस पर हमसे डिस्कस करके हो, लेकिन ये नहीं हो कि अगर कोई बात आपकी नहीं सुन रहा तो आप मीडिया पे जाके फौरन कह दो। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इनको जो है थोड़ा सा अफसरान को भी सर ये गली मोहल्ले फराज साहब, गली मोहल्ले जो सड़कें हैं, अंदरूनी सड़कें, क्योंकि अक्सर और बेशतर ये बात बड़ा तरीके से बोल दी जाती है ना कि जी 106 जो आम शाराएं हैं ना वो हमारी जिम्मेदारी है KMC की, अब ये जो गली सही नहीं हो रही किसको पकड़े शहरी, आप क्या समझते हैं किसका कसूर है? देखिए, मैं इन्हें आपको ये बताया, ये इन्होंने जो गली मोहल्लों का काम है ये क्लिक के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है जिसके तहत गवर्नमेंट करती है, ठीक है। 2020 के बाद से 22 के बाद से सिंध गवर्नमेंट ने कोई भी डेवलपमेंट का फंड नहीं दिया है, वो सब जो है क्लिक से काम करा रही है। लेकिन क्लिक का ये है कि 2023 और 24 के जो काम हमने उनको स्कीम दी हुई है वो अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ है, 24-25 के वो मांग रहे हैं वो डिप्लॉय नहीं हुए। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो है हर चीज अपने हैंड ओवर की भी, कोई भी चीज जो है वो नीचे तक मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। फराज साहब मेरे साथ ही रहिएगा। अदील, अब मामला ये है कि देखें, हमने MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ इफ्तिखार आलम साहब का रुकन असम्बली भी हैं, साथ में फराज हसीब साहब हैं, वो टाउन चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। अल्टीमेटली कहीं पे भी मामला मतलब इख्तियारात की फिर वही वाली बात हो रही है जो हम माजी में सुनते थे वसीम अख्तर के दौर में कि जनाब इख्तियारात नहीं हैं, उन पर ये बोला जाता था कि जी कुर्सी छोड़ दो अगर इख्तियारात नहीं मिल रहे। अब काम फिर भी नहीं हो रहे, वो फिर कह रहे हैं कि जी क्लिक, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी बुरा हाल है, मगर काम नहीं हो रहे। ये काम का मतलब ख्याल कैसे बनेगी? पूरे अगर जो अभी मैंने इफ्तिखार आलम भाई मौजूद हैं, लाइन पर ही हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इंट्रो भी सुना, चीज़ों को भी सुनी, जो बातें हमने कही हैं वो प्रोग्राम में हमने दिखाई भी हैं, ठीक है ना। जवाब तो जाइएगा, फुटेज भी चल रही है, जवाब तो जाइएगा, पूरा 45 मिनट का प्रोग्राम वहाँ का मौजूद है जिसमें मैं आपको बताऊँ, आप तो लियाकताबाद की बात कर रहे हैं सर, आप टाउन ऑफिस जो बना हुआ है ना जहाँ पे यहाँ ये बैठते हैं हसीब, फराज हसीब साहब, मैं फिर कहूँगा कि पर्सनली मैं उनसे मिला, उन्होंने अपने वक्त दिया, देखें बाद में क्या इनके पास हिदायत होगी मुझे नहीं मालूम, पर इन्होंने अपना वक्त दिया, मेरे साथ एक 20 मिनट का सेशन इनका चला पूरा बाकायदा प्रोग्राम में, मैंने इनसे चंद सवाल लगे कि बागी तो छोड़े सर, टाउन ऑफिस का जो गेट है ना उसके इतराफ में बाइकें गिर रही हैं, आपके बाहर मौजूदा जगह जहां से आप रोजाना गाड़ी लेके जाते हैं या फिर वो नुमाइंदे जो वहां बैठते हैं, सर आपको क्या नहीं दिख रहा शहर की हालत क्या हो रही? ढक्कन है ही नहीं, ढक्कन चोर का नारा पहले लग चुका है, ढक्कन चोर कौन था कौन था? क्या मैं और आप एक अवाम को ये सेट, अवाम को क्या चाहिए? सीट की दौड़ आप लोग लगा रहे, चाहे वो MQM हो, MQM पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, सर एक आम आदमी कहां खड़ा हुआ है, एक आम शहरी, मैं अगर अपनी बाइक पे जा रहा हूं और मैं गिर जाता हूं तो वो टाउन चेयरमैन को फर्क शायद नहीं पड़ेगा या फिर MQM किसी MPA को फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ रहा है मेरी गली में, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? दोनों सियासी जमातें कराची को ओन करती हैं, वो कहती हैं कि जी इसका जवाब है ना, इसका एक जवाब है, पहला रोना आता है आपके फंड का, हमेशा हर गवर्नमेंट, चाहे वसीम अख्तर साहब की वक्त की बात आप कर रहे हैं, उस वक्त भी यही रोना एक होता था कि भाई हमारे पास इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं है, हम कैसे लगाएं। आज अगर फराज हसीब की मैं बात करूं, वो भी एक जुमला मुझे बार बार कह रहे हैं कि क्लिक को दे दिया है एक चीज, फंड हमारे पास है नहीं, नीचे फंड हम कैसे लेंगे? मुझे सवाल एक छोटा सा जवाब दें, एक ढकना कितने का है सर? आप लोगों की सैलरीज नहीं है, आप लोगों की चीजें नहीं है, लगाएं, मस्जिदें बंद हो
गई हैं, कल हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है हम सब ने, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि एक नमाजी जो मस्जिद तक पहुंच रहा है वो पाक है नापाक है? क्या इस वक्त इफ्तिखार आलम भाई ने, चले मैं बड़ा अच्छा कहूंगा कि उन्होंने सुनी बात और इस वक्त भी शायद वो सुन रहे हो, सर मैं बाहसियत मुसलमान ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं गारंटी ही नहीं दे सकता कि जिस बाइक से मैं घर जा रहा हूं या मस्जिद जा रहा हूं मैं पाक हालत में जा रहा हूं या नापाक। तो इसका जवाब दे आप सबको होना पड़ेगा। पीला स्कूल की ये बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े मिनिस्टर, ये पीला स्कूल आज से तो नहीं है ना, जैसे इफ्तिखार भी ने कहा कि बहुत लोग यहां से पढ़ के, सर मैं तो सवाल ही रख रहा हूं, मैंने स्टार्ट में भी ये बात कही है, कभी पलट के वो लोग स्कूलों में आए हैं, मुझे 10 साल की आप लिस्ट निकाल के दिखा देंगे जिस वक्त वो अपने स्कूलों में अपने टीचरों से मिलने आए हो, कभी आगे उन्होंने कहा? भाई एक और चीज मैं आपकी नजरसानी कर दूं कि स्कूल के अंदर सिर्फ ये नशेवर लोग नहीं बैठ रहे, सर घर बन चुके हैं, अंदर फैमिलीज रह रही हैं, वो क्यों बैठी हुई है, किसी को लेना देना नहीं। अगर चले मैं कहता हूँ स्कूल में कब्जा हो रहा है, स्कूल में कब्जा नहीं, कुछ फैमिलीज आई थिंक मुझे किसी जो आवाम ने वहां बताया कि बारे जब अभी हालिया सलाब वगैरह का हुआ था तो कुछ फैमिलीजों को रखा अच्छा। गया था, वो कुछ फैमिलीज चली गई हैं, कुछ फैमिलीज ने ऐसा कब्जा किया वो ग्राउंड में बच्चों को खेलने नहीं देते, वो कहते हैं कि नहीं भाई हम यहाँ रहते हैं। अब एक सवाल का जवाब आपने, सर क्या आंखें हमने बंद कर ली हैं, क्या कह दें आप लोग ने सब इस चीज को लगा दिया है कि भाई वो काम नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, सर जो चीजें हो रही उस पर नजरेसानी करें। इफ्तिखार साहब आपकी भी इल्म में होता होगा यकीनी तौर पे, आप भी एक बड़ी जमात के रुकन हैं, लोग तो शिकायत करते होंगे कि जनाब मसले का हल बताएं ना, अब इस मसले का हल कब निकलेगा कि आज तक हम इन्हीं सड़कों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसी की डिबेट कर रहे हैं कि आखिर कब बनेगा, इसके ऊपर जो है ना वो एक बहुत दर्दनाक सूरत हाल है जो इस वक्त शहरी गुजर रहा है, मतलब आप सूरत हाल देख रहे हैं सब की सब। कुल अभी एक तो मैं ये जो मौकफ इनका सुन रहा था चेयरमैन साहब का, देखिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत वाटर सीवेज को जो है वो नीचे जो है डिवॉल्व कर दिया गया है और वाटर सीवेज का सारा निजाम जो है वो टाउन के पास ही है। अब गली मोहल्लों के अंदर अगर वाटर सीवेज का मसला आता है तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है ना, ये जिम्मेदारी से जमात इस्लामी भी जो है वो उतनी ही कसूरवार है, वो उससे बरी उस जिम्मा तो नहीं हो सकते। वो कह रहे क्लिक बनाएगा ना सारा, कोई भी काम करना नहीं, नहीं, को नहीं, करना नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं मैं उसकी वजात करूँ, क्लिक अच्छा। वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो इनकी चीजें हो रही होती हैं वो ज्यादातर मेगा प्रोजेक्ट और जो बड़ी रोड है उनके ऊपर काम कर रहा होता है। हम तो चले उस बात को अभी छेड़ ही नहीं रहे ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जो गली की गलियां हैं उनकी सफाई सुथराई, गटर के ढक्कन, ये तो सारे ये तो फंड्स मिल रहे हैं इनको, ये इनको करने चाहिए। लेकिन इसी वजह से हमने कहा था जब ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे कि यूसीज मुकम्मल नहीं है, 76 लाख लोग कम गिने गए, ये सिस्टम जो है वो नहीं आना चाहिए था उसके अंदर, लेकिन क्योंकि एमक्यूएम ने बाइकआउट किया और जमात इस्लामी उसका पार्ट बनी, अब अगर ये रो रहे हैं इन सारी चीजों को तो ये तो फिर बरी जिम्मा नहीं हो सकते इन सारी चीजों से, इसी निजाम को सही करने के लिए तो किया था। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको मफलूज कर दिया गया है सिंध गवर्नमेंट की जाने से, और फोकल पर्सन को पैरेलल सिस्टम जो है वो खड़ा कर दिया गया है और उनको पाबंद किया गया है कि फोकल पर्सन की बात सुननी है, नुमाइंदों की बात नहीं सुननी। अब बाहर से आए हुए लोग कैसे, जब उनको तकलीफ का पता ही नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा मैं ये साथ ही साथ एक बात आप लोग के इल्म में भी देना चाहूंगा कि ये जो स्कूल्स के हवाले से ये जो बात हो रही है, देखें हमारी आज भी वजीर तालीम से सरदार साहब से मीटिंग हुई है, हम तीन तीन करके स्कूल एडोप्टेशन के ऊपर ले रहे हैं, मुतहदा मूवमेंट हमारे MPA और फिर वहां का सारा निजाम उसकी दुरुस्तगी के लिए, चीजों की बेहतरी के लिए, तालीम के निजाम को बेहतर बनाने के लिए ये एडोप्टेशन हो रही है। और आप देखेंगे आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर आपको इलाकाई सतह के ऊपर जो है जो हमारे ये हलके हैं इसमें हम स्कूल्स को अडॉप्ट करेंगे और इनको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, लाइन पे रहिएगा मेरे साथ। फराज हसीब साहब मौकिफ आपने सुना होगा, अदील हमारे एंकर पर्सन है और साथ साथ इफ्तिखार आलम साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि जनाब बात यह कि टैक्स कलेक्शन भी होती है और हम बरी जिम्मा नहीं हो सकती टाउन जो है। अब एक आम आदमी कह रहा है कि जनाब मैंने वोट दिया था ना उस वक्त जब मेरे सामने नारे लगाए जा रहे थे, मेरे सामने ही बताया जा रहा था कि हम मसाइल का हल हैं, हल ये बात हो रही थी, ट्रेंडिंग भी हुई थी सोशल मीडिया पे कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। अब क्या उन तमाम लोगों को, उन तमाम वोटर्स को सिर्फ ये कह देना काफ़ी होगा कि जनाब मेरे पास इख्तियारात नहीं? ठीक उसी तरह जिस तरह माजी में जब वसीम अख्तर साहब थे तो उस पर भी यही बात होती थी कि जनाब छोड़ देना जी कुर्सी, छोड़ दें, क्यों बैठे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो अब वही वक्त जब आपके पास आ रहा है तो इसको आप कैसा देख रहे हैं फराज हसीब साहब? नहीं देखें, एक तो पहले कि इनकी मालूमात खराब है, सही नहीं है, इनको दुरुस्त करनी चाहिए। एंटी वोटर बोर्ड जो है मुंतजब आप है और वो अपने पावर किसी तरीके से डिवॉल्व नहीं करते हैं। वोटर बोर्ड के जो XCN और सेवरेज की जो XCN है वो अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं
और मैंने आपको जरूर ये बताया कि ये सारी चीजें सिंध गवर्नमेंट और इसके एमडी जो है मुर्तजा वहाब है, लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम नहीं काम कर रहे। पिछले एक साल में से पहले आप जाएं, जो पिछले 30 साल में लियाकताबाद की सूरत हाल थी वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। लियाकताबाद में हमने अपने वसाइल में रहते हुए, हमने पहले भी बात की थी, हम इख्तियारात से ज्यादा काम करेंगे। हम ये बात जरूर कहते हैं कि क्लिक जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, लेकिन हमने बहुत सारी गलियां बनवाई, हमने रोड बनाया, इसी तरह सफाई का सिस्टम जो है वो हमने बेहतर किया, पार्क हम बनवा रहे हैं, इसी तरह जो है रोड के हवाले से जितने काम हम हो सकते हैं उसको मुमकिन कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये सारे इदारे अगर वन विंडो पे आ जाएं तो बहुत तेजी से और बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन हमारे आप ये आदिल साहब आए थे, ये 8 बजे जब हमारी यूसी में और टाउन में आए तो उस टाइम भी हमारे जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद थे, यूसी के नुमाइंदे यूसी में मौजूद थे, टाउन के नुमाइंदे टाउन में थे। हम पब्लिक में हैं, हम उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे मसाइल जो है हमने पिछले एक साल के अंदर किए। पूरे सेवरेज का सिस्टम हमने जो है वो बेहतर बनाया किया, इसी में तरह पार्क और लाइट रोड हर शोबे में हम जो काम कर रहे हैं। अच्छा फराज साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि लोग जानना चाहेंगे यकीनी तौर पे लियाकताबाद टाउन इस वक्त कितना टैक्स जमा कर पा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, और साथ साथ कितना रिक्वायर्ड है, कितना सरकार दे रही है, और अब जो बड़े काम है जो आप समझते हैं जी क्लिक नहीं कर रहा, थोड़ा सा उसके ऊपर बता दीजिएगा, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा जी सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कहीं अगर आप समझते हैं जी वाटर कॉर्पोरेशन की ज़रूरत है और हमने दरखास्तें लगाई हैं, हम चाह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने, और प्लीज़ इसके ऊपर टैक्स कलेक्शन के ऊपर ही बता दीजिएगा कि आप लोग कितना टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं, और साथ साथ इन तमाम सवालों के भी प्लीज़ शॉर्टली जवाब दे दीजिएगा। देखिए गवर्नमेंट पॉजिटिव है वो जो है एम्प्लॉयज की मद में सैलरी देती है, कोई डेवलपमेंट फंड नहीं देती, कुछ नहीं देती, ठीक है। उसके अलावा टैक्स का सिस्टम लियाकताबाद में बिल्कुल खत्म था, हमने आने के बाद उसको शुरू किया, मतलब जो मिनिमम टैक्स जो लगता रहा है वो जमा नहीं होता था, हमने उस सिस्टम को बेहतर किया, कोशिश कर रहे हैं। उसी के जो है तावुन से हम अपने दीगर जगहों में काम कर रहे हैं। आप लियाकताबाद में आए कि बहुत सारी चीजें आपको बेहतर जो है नजर आएगी, जिसमें हम सेवरेज के रिंग ढक्कन के रिंग और कैप की उन्होंने बात की, उसके हम काम करते हैं, सेवरेज के काम करते हैं जो छोटे है, इसी तरह पार्क से काम कर रहे हैं, स्कूल की जो सर अगर लियाकताबाद का कोई शहरी फराज साहब अगर लियाकताबाद का शहरी इस वक्त ये सुन रहा हो, ये प्रोग्राम सुन रहा हो, आप ये इत्मीनान से ये कह सकते हैं कि जी बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है और हमने अपना जो ड्यू शेयर था वो दिया है, क्योंकि लियाकताबाद के लोगों तक शायद ये जाए। मैं आपसे आपका मौकफ जानना चाहूँगा, फिर मैं जाऊँगा कि अदील की तरफ। जी बिल्कुल, आप मैंने आपको बताया कि हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, नुमाइंदे इसलिए मौजूद हैं वो काम कर रहे हैं, पहले तो नुमाइंदे मिलते नहीं थे क्योंकि काम नहीं करते थे, इस वक्त हमारे तमाम नुमाइंदे मौजूद हैं, गली मोहल्लों में मौजूद हैं, लोग हमारे पास मसाइल लेके आ रहे हैं क्योंकि उनकी सुनवाई हो रही है, हम काम कर रहे हैं, जो भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो हमारे वसाइल में होते हुए हम कर सकते हैं, हम उससे बढ़ कर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लियाकताबाद, मुझे अदील ने उस दिन आया बताया कि मैं जब TNT से आ रहा था तो डाखाने का जो रोड है वो बहुत ज्यादा खराब था, हमने वो KMC की रोड है, लेकिन हमने नहीं कहा कि ये KMC की रोड है, लोगों को तकलीफ हो रही है, उस पर हमने काम कराना शुरू किया। इसी तरह 10 नंबर की बात इन्होंने की, 10 नंबर पे हमने जो है कुछ चीजें जो है ठीक करने की, अपने वसाइल में रहते हुए हम जो बेहतर काम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है अदील, अब थोड़ा सा मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि देखो एक आम शहरी तो ये कह रहा है कि जी मैं अपने स्कूल नहीं जा पा रहा, मैं उस गली का गटर का पानी, चले ठीक है बारिश हो रही है जमा हो जाता है, वो कहते हैं ना ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है, तो अब इसका हल क्या देख रहे हैं शहरियों को, मतलब दोनों का मौके इतने समझाया दिखा रहे हैं ताकि दोनों बड़ी जमातों के अरकान हैं बात पहुँच सकेगी, आप क्या देख कर आए शहरियों से जब बात की, वो शहरी क्या बताते हैं? अली पहले तो एक बात का जवाब मैं आपको दूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फराज, जब हमने इनके पास डायरेक्टली, आपको पता है हमारा काम इस तरह कि हम डायरेक्टली इदारों में पहुंचते हैं और मैं कभी भी किसी भी इदारे में डायरेक्ट पहुंचता हूं, मैं इन्फॉर्म करके नहीं पहुंचता। मैं फराज हसीब को यहाँ जरूर क्रेडिट इस बात का दूंगा, जब हम इनके ऑफिस में पहुंचे तो इनकी एक टीम है, जो भी इंटायर टीम होती है वो मौजूद थी, मुझे नहीं मालूम उनमें से कौन कौन मौजूद था लेकिन टीम भरपूर मौजूद थी। जब हम इनके यूसी पहुंचे हुए थे वहां पर भी इनके यूसी काउंसलर मौजूद थे, लेकिन मैंने उनसे ये पानी आएगा बारिश होगी तो पानी, इनके काउंसलर साहब ने भी यही जुमला दोहराया था कि, तो मैंने उनको कहा था सर मुस्कुराहट आपके मुंह पे कैसे आ सकती है, यहाँ पे लोग इसी गड्ढे में गिर रहे हैं, इसी गड्ढे में पानी, आप कह रहे हैं ना कि एक आम शहरी क्या कहेगा, सर आम शहरी सिर्फ बददुआएं दे रहा है, जब मस्जिद इलाकों की बंद हो जाएगी तो मैं आगे वर्ड कौन सा दोहराऊंगा अली, आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं आम शहरी, आपने बड़ी प्यारी बात की कि अगर लियाकताबाद का कोई शख्स ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहा होगा तो वो यकीनन आपको मैं बता दूं 3 सवाल उसके जहन में आएंगे कि मौजूदा सूरत हाल बिगाड़ने वाला कौन है, और फिर साथ साथ ये जहन में आएगा कि इससे पहले कौन लोग थे, सवाल वही है, ये
आज के मामला तो नहीं खराब हुए ना, या इससे पहले से मामला खराब चलते रहे, तो जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। एक आम शहरी, मैं भी आम शहरी हूँ, जुमला रख देता हूँ, आम शहरी इस निजाम से शदीद परेशान है और सिर्फ बद दुआएं दे रहे। इफ्तिखार साहब थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, अदील थोड़े अग्रेसिव हो रहे हैं, आप भी मुझे बता दीजिएगा कि इस आम आदमी का क्या करें जो ये सवाल उठा रहा है कि जनाब मेरे घर के मोहल्ले के जो गलियां हैं उसकी जो सड़कें बनाई जाती हैं वो दो बारिशें नहीं सह पाती, उसके बाद कभी फंड्स का रोना रोया जाता है, वो दिन कब आएगा जिस दिन ये कहा जाएगा कि जनाब इस शहर से माफिया करोड़ों नहीं अरबों रुपये कमाता है रोजाना, यौमिया इस शहर के अंदर जो कचरा है कूड़ा है वो बिकता है उसके ऊपर एक बड़ा माफिया जो करोड़ों अरबों रुपये कमा रहा है, तो सर इस शहर के जो बल्दियाती इदारे हैं उनके पास इतना फंड क्यों नहीं आ पाता कि एक तो वो काम ठोस लोगों से ठेकेदारों से करा पाए और कम से कम काम ऐसा हो कि चार बारिशें तो ठहर सके वो काम। सर इफ्तिखार आलम साहब जी बिल्कुल अली भाई, खाली से अदील ही न गुस्से में नहीं, सारे अवाम जो है ना सिर्फ व्याप्तबाद पूरे कराची की जो है वो इसी आलम के अंदर है। और आखिरी दफा जब ये शहर कराची बना था तो मुस्तफा भाई के वक्त में हमारे ही हाथों से बना था, असल नुमाइंदे भी हम ही है, विल होनी चाहिए हर चीज की करने की और इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको ये भी बता दे चलूँ, ये अदील वहां पे जाते हैं अगर ये लियाकताबाद का विजिट करें, अभी जो पेवर ब्लॉक का काम सिवरेज का काम जो हो रहा है वो एमकेएम की ही जानिब से जो है वहां पे काम, हमने जितना भी हमारा फंड था जो पिछली दफा जो है कराची पैकेज के तहत आया था 6 महीने लड़ झगड़ के हमने उनसे जो है बात करके वो फंड रिलीज कराया, उसमें भी 33% उन्होंने रिलीज किया है और जो उनका कमीशन सारी चीज सर पे खड़े होके उनसे पेवर ब्लॉक का काम करवा रहे हैं, वाटर सिवरेज का काम करा रहे हैं। ये गरीबाबाद से जब आप आते हैं शहीदाबाद की तरफ वहाँ मेन जो है लाइन अभी हमने बिछवाई है और गलियों के अंदर काम जो है वो मौजूद है, आप बेशक वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, चाहे वो एफसी एरिया हो, 9 नंबर हो, 10 नंबर हो, बारिश की वजह से रुक गया था और इंशाल्लाह ताला जब हकीकी नुमाइंदे इस शहर के बलदियाती सिस्टम में आएंगे तो फिर आप जो है इसके अंदर तब्दीली देखेंगे। जमात इस्लामी जो नुमाइंदा मुंतखब होकर आई है ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है इफ्तिखार आलम साहब? नहीं, अगर ये हकीकी, ये तो एमकेएम के बाइकॉट के नतीजे के अंदर ये आसाती तौर पे ये लोग आ गए, अब ये किस बात का रोना रोते हैं कि जी फंड नहीं मिल रहा, चीजें नहीं हो रही, हम इसी निजाम के तो खिलाफ थे, हमने जो बाइकॉट किया था कि अव्वल तो ये इलेक्शन ही कलदम करार देने चाहिए, जब 76 लाख लोग बाजियाब हुए उनको जो है सेंसिस के नतीजे में यूसी इंक्रीज होनी थी, जब वो निजाम ही नहीं था, वो उस कानून के तहत उन्होंने बनाया नहीं, तो ये तो बल्दियाती निजाम कलदम करा देना चाहिए। एमकेएम के बाइकॉट की वजह से, उनके वजह से ही तो ये जमात इस्लामी और ये लोग यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए, अब जो है ये फंड का रोना रो रहे होते हैं। लेकिन मेरे तो एक सवाल ये है कि भाई गत्तर के ढक्कन और रिंग लगाने के लिए गली की आप सियासत कर रहे हैं, काउंसलर और चेयरमैन वहां पे, आपको यूसी का भी तो फंड मिलता है भाई, मेरे वक्त के अंदर जो है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए जो जब मैं 2005 में नाजिम था उधर 1.5 लाख रुपए मिलते थे हमें, जिसमें से हम दो जो लोग थे उनकी तनख्वाह और उसके बाद बाकी सारा वाटर उस पर लगाते थे रिंग और ढक्कन के ऊपर, तो क्या ये लोग नहीं कर सकते? इनको तो मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए जो है पर मंथ मिल रहे होते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है? ये तो प्योरली से यूसी की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट से टाउन से जो इनको पैसे मिलते हैं, ओजीटी का ये कह रहे हैं कि जी वो तनख्वाहों में चला जाता है, तो जो मुकामी हुकूमतें टैक्सेस वसूल करती हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि लाख हमारे जमात इस्लामी से इख्तलाफ हो सियासी तौर पर नजरियाती तौर पर, लेकिन पहले जब इनका नेमतुल्लाह साहब का वक्त था या बीच में कोई चीज अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी कहते थे, इलाकों में काम होता था, मैंने इनके एक अहदेदार जो है उनसे जो साबिक नाजिम भी रहे गुलबर्ग के, उनसे मैंने गिला भी किया इस बात का कि पहले ये चीजें होती थी, अब तो आपके लोग मौजूद ही नहीं होते, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, ये भी दीगर चीजों के अंदर जो है वो लगे हुए हैं, पता नहीं दीगर चीजें कौन सी हैं सर कर रहे हैं, लेकिन आवाम तक उसके इफ्तिखार साहब दीगर चीजें कौन सी हैं, ताकि फिर मौकिफ लूं फराज असीफ साहब से, दीगर चीजें कौन सी हैं? वहां पे बहुत सारे पोर्शन माफियाज हैं, वहां पे ठिए पथारे लगे हुए हैं, चीजें लगी हुई हैं, तो क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन सारी चीजों का रिमूवल किया जाए, उस पर एक्शन किया जाए? जब इदारे खामोशी इख्तियार करेंगे और वहां के नुमाइंदे खामोशी इख्तियार करेंगे तो सवाल तो उठता है। आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं
कि उसका जो भी मामला है उसके जिम्मेदार फराज हसीब साहब और दीगर जो अराकीन है बल्दियाती वो है। मैं तो वहाँ के उन नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ जिनकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप मुझे बताएं जहाँ चार लोगों की रहने की जगह है वहाँ 6 मंजिला बिल्डिंग बना दी जाएगी और 50 लोग रहेंगे तो पानी और जो सिवरेज का निजाम है वो तो तबाह बर्बाद नहीं होगा। तो ये वहां पे रहते हुए किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप देखें 80 गज के ऊपर 40 गज के ऊपर 6-6 मंजिला बना दी। अभी कितनी दफा आप लोगों के सामने लियाकताबाद के अंदर नाजाबाद के अंदर ऐसे वाकयात हुए कि पूरी पूरी बिल्डिंगे गिर गई। ठीक है, ये कोई ठीक है। फराज हसीब साहब का मौका जरूरी है, एक सवाल बहुत है और इफ्तिखार भाई से मैं कहना चाहूंगा, इफ्तिखार भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 80 गज की बिल्डिंगें बनी हुई है, 6-6 फ्लोर बने हुए हैं और यहाँ ये वही गली है पीले स्कूल की जहाँ 2 बार बिल्डिंग गिर चुकी है, वही गली है। बिल्कुल फराज हसीब साहब आपने सुन लिया होगा, इफ्तिखार आलम साहब कह रहे हैं जी एमक्यूएम ने बायकॉट किया तो जमात इस्लामी जो है वो आ सकी। बंद लफ्जों में यही कहना जा रहे थे जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मेरी तस्वीर तरदीद कर रही है कि इस मामले को जी पोर्शन माफिया जिम्मेदारी आपकी है अदा नहीं कर रहे, वहाँ पे फतारे लगे हुए जिम्मेदारी आपकी है अदा नहीं कर रहे, वहाँ पर जो काम होने चाहिए उसको बंद लफ्जों में ये कहा जी, दीगर चीज़ें जो मैं समझ पाया हूँ इफ्तिखार साहब ऑनलाइन तरदीद कर दिएगा। फराज हसीब साहब प्लीज़ इस पर मौकफ दे दें, क्या बायकॉट ही वजह बनी है कि जमात इस्लामी आ सके कराची के अंदर? सर बायकॉट की तो ये बात कर रहे हैं, बायकॉट नहीं किया था असल में, तो इलेक्शन से भागे थे। अच्छा ठीक है, बाकी 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरी दुनिया जानती है कि जिस सीट पे ये है उस सीट पे 5 से 6 हजार वोट इन्होंने लिए थे और यहाँ पर आज भी जमात इस्लामी का नुमाइंदा जीता हुआ है जो भारी लीड से जीता हुआ है जिसको दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फॉर्म 45 लाके ये जरा सामने नजर कर दें, ये तो फॉर्म 47 से आए हुए लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती का कब्जा इन्होंने किया। ठीक है, दूसरी बात ये है कि पिछले 18-19 साल से शहर कराची में हुकूमत किसकी थी, जिसके किसके कहने पे जो है 3-4 मिनट में जो है शहर बंद हो जाता था। ठीक है, तो आप ये बताएं ये बिल्डिंग किसके टाइम में बनी, ये पधारे पूरे लियाकताबाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और किसके टाइम में हुआ, हमें तो आए हुए 1 साल हुए और वो भी बल्दियात आपके तो MNA MPA इस शहर ने इस लियाकताबाद ने इनको क्या कुछ नहीं दिया, भरपूर वोट दिए, पूरी की पूरी सपोर्ट इनको दी, लेकिन इन्होंने शहर के लिए लियाकताबाद के लिए क्या किया, ये किया कि 40 गज के मकान पे 12 मंजिला बना दी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह गया। आने वाले 4 से 5 सालों में जिस नाकिस मटेरियल से बिल्डिंग बनी है इसका जिम्मेदार कौन होगा, जो सेवरेज सिस्टम पूरा बैक गली का जो है इनकी बुनियादों में जा रहा है इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप बताएं कि ये सिस्टम तो इन्होंने बनाया है, 30 साल इन्होंने हुकूमत की है, जमात इस्लामी तो 18 साल बाद अब आई है तो सारे दोबारा जो है रिबिल्ड कर रही है इस शहर को, इस लियाकताबाद को। उसके अलावा इन्होंने क्या, आप 1 साल पहले देखें लियाकताबाद का कौन सा पार्क था जो आबाद था, आज लियाकताबाद में देख लें कितने पार्क आबाद है, सेवरेज का जो सिस्टम था वो कितना तबाह था, आज देख लें आप सेवरेज का सिस्टम, बिल्कुल मैं इस बात कहूंगा कि सेवरेज का सिस्टम डिस्टर्ब है क्योंकि वो वाटर सेवरेज बोर्ड का अगर एक्सपीरियंस हमारे साथ काम कर रहा हो, 1 साल में हमने जिस तरह से बेहतर की फिर वो पता चलता है कि उस किसी के कहने पे जो दूसरा XCN आ गया वो XCN आता है उसको सिस्टम का कुछ पता नहीं होता, सिस्टम जो है खराब हो जाता है। मैं बहुत सारी चीजें कहता हूँ कि ठीक है खराब है, लेकिन इस 1 साल के अंदर जब बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद रहे दिन रात यहाँ, आखिरी सवाल बता दीजिएगा फराज साहब, जब ये टेन्योर खत्म होगा आप ये किसी भी बात को अगली दफा समझा सकेंगे, जनाब की जो हमने वक्त गुजारा ना वो पहले वालों से बेहतर था, हमने पहले ज़्यादा काम किया और जनाब हम जो है ना हम ही हैं, मतलब वो अगली दफ़ा आप पर यकीन कर पाएगा, आप ऐसा कुछ करके जा सकेंगे इन्हीं तमाम हालात में, क्योंकि माजी में भी यही है और कहीं ना कहीं MQM इस मामले के अंदर बेहतर पोजीशन पे नहीं रही कि वो जी आज आप माने ना माने वो उनकी ही बात आप कहीं ना कहीं सेकंड कर रहे होते हैं जी, वो कहते हैं ना कि जी इस निज़ाम के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं जनाब, ये जो इख्तियारात की जंग है वही तो हम बात कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं वही पोजीशन पे आपको लाकर खड़ा कर दिया, मगर बात नहीं की हो रही है। हम दोनों सिस्टम पैरेलल, एक तो हम इस शहर की इस लियाकताबाद की हम जंग लड़ रहे हैं जो सिंध गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन दूसरी पैरेलल हम बैठे नहीं है, हमारे नुमाइंदे मौजूद है। आप अदीब साहब से पूछें क्या किसी ने कहा कि जमात इस्लामी का नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है या उसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहा, वो वहां पर मौजूद भी है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरे तरीके से
कर भी रहा है। ठीक है, शॉर्ट टाइम में कंक्लूड कर दें। शॉर्ट टाइम में मैं शॉर्ट टाइम में सिर्फ एक इल्तिजा करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि जी जमात इस्लामी, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं वो जमात इस्लामी है ना, अब जो लियाकताबाद में ये सारे मामला पुराने अरसे से एमक्यूएम रही है, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? सर इफ्तिखार भाई ये बात बिल्कुल ओके क्यों कह रहे हैं, मैं आपको वजह बता दूं। आज वो एमपी हैं लेकिन इससे पहले ही यूसी नाजिम रह चुके हैं और इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इलाके कैसे बनते हैं। इसमें कोई गलत नहीं, फराज हसीब एक यंगस्टर है, काम करना अगर चाहता है तो मुझे लगता है कि दोनों को अगर बैठ के, अगर एमपी और चेयरमैन साथ बैठ के कोई मुश्तरक फैसला कर लें तो यकीन जाने किसी जमाने में कहते ना कलम तोड़ भी हड़ताल हुआ करती थी। तो सर प्लीज अगर आप लोग सब मिलके आवाम का सोच लें, दो मिनट छोड़ दें जमात इस्लामी या एमपी। और मैं फिर कहूँगा इफ्तिखार आलम भाई के लिए खास तौर पर इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि इफ्तिखार साहब खुद एक नाजिम रह चुके हैं, इनको अच्छे से पता है अपने इलाके के अंदर किस तरह ब्लॉक 10 में पटेलवीर में इनकी वो 2005 का वक्त गुजरा है। अगर ये बैठ के कोई सजेशन दे सकते हैं सीनियरिटी में तो कोई गलत बात नहीं है। और मैं कहूंगा फराज हसीब एक ऐसा शख्स है जिससे मैंने कम्युनिकेशन की है तो वो सुनना भी समझता, कोशिश करता है सुनने की। और आवाम खुदारा मस्जिद बंद है सर आप लोग के इलाके में, बस चाहे आप गुजारिश है कि ये सूरतेहाल चल रही है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आलम साहब, आपने टाइम दिया, एमक्यूएम पाकिस्तान से रुकन असेंबली थे, फराज हसीब साहब से भी हमने उनकी मौकफ लेने की कोशिश की क्योंकि सूरतेहाल फुटेजेस में नजर आ रही है कितने बड़े बड़े गड़े हैं, क्या क्या सूरतेहाल है। बहुत शुक्रिया फराज हसीब साहब, जमात इस्लामी से ताल्लुक था, टाउन चेयरमैन है। अदील खान साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, स्टोरी को कवर किया। हम उम्मीद यही करेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद शायद इंतजामिया और दीगर लोग इस मसले की अहमियत को समझकर इस मसले का हल निकालें। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ जुड़े रहिएगा। टिकटॉक जो है दो पुलिस एहलकारों के लिए एक मुश्किल बन गई है, क्या मामला हुआ उसमें, खातून पुलिस एहलकार की क्या वीडियो आई, इसके ऊपर एक्शन हुआ, उस पर बात करेंगे।